हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम घर बैठे बैठे कैसे पार्लर जैसा मेकअप कर सकते हैं। अगर हमें शादी पार्टी में जाना है तो हम पार्लर में जाते हैं, सलून में जाते हैं, तो उससे बेहतर है आप घर बैठे बैठे ही पार्लर जैसा मेकअप कर पाओ। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पार्लर में कैसे मेकअप किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है फेस को प्रेप करना। फेस को प्रेप करने के लिए मैं गुडवाइज का फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है। अभी से मैं अपने हैंड पर ले लूँगी और मसाज करते करते डैब डैब करके अपने स्किन में अब्जॉर्व कराऊंगी। हमें सीरम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सीरम से ही हमारी स्किन अच्छे से प्रेप हो जाती है और हमारी स्किन को है ना जो केमिकल पार्ट होते हैं उसके बीच में एक बैरियर मिल जाता है। तो इस वजह से है ना हमें फेस सीरम हमेशा अप्लाई करना चाहिए, इससे हमारे फेस को अलग ही मॉइस्चराइजर मिलता है। फेस सीरम अप्लाई करने के बाद ही हमें लैक्मे का ब्लीच मिल्क मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर हम मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी स्किन अच्छे से नरिश ही नहीं होगा। तो मॉइस्चराइजर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ऑलवेज हमें अपने मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। इनकेस हम प्राइमर को स्किप भी कर सकते हैं, बट हमें ना मॉइस्चराइजर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो मॉइस्चराइजर को अच्छे अमाउंट में पूरे फेस पर अप्लाई करना है मसाज करते हुए, क्योंकि ये फाउंडेशन और कंसीलर बहुत थिक पार्ट होते हैं, इन्हें ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम स्किन को अच्छे से प्रेप ही नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने स्किन को प्रेप करना बिल्कुल भी ना भूलें और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्किन को प्रेप करें। अब मैं यहाँ पर कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये प्राइमर बहुत अच्छा है हर स्किन टाइप के लिए है, क्योंकि ये ना अच्छा सा नरिश कर देता है हमारे स्किन को। तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्किन टाइप के साथ। मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, एकदम डैब डैब करके इसे है ना अपनी स्किन में अब्जॉर्ब कराऊंगी। हमें रब नहीं करना, मॉइस्चराइजर से रब नहीं करते जाना है, क्योंकि प्राइमर को हमें अपनी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब कराना। अब्जॉर्ब कराने के लिए हम हमेशा डैब डैब करते हैं, रब नहीं करते। अच्छे अच्छे से हमें डैब डैब करना है, इससे प्राइमर हमारी स्किन को अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा शेड है डार्क ब्राउन। बिगनर के लिए ना ये बहुत अच्छा आईब्रो पेंसिल है। इससे क्या होता है, सीधे जो ब्रश देना उससे हम अपने आईब्रो को कॉम कर लेंगे, देन अपने आईब्रो को फिल करेंगे। जहाँ जहाँ खाली स्पेस है ना सिर्फ वहाँ वहाँ फिल करिए, देन उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करिए। आईब्रो को शेप देने से क्या होता है ना कि हमारी आईब्रो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, पॉइंटेड लगती है इस वजह से। तो अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करिएगा। यहाँ ब्लैक कलर का बिल्कुल यूज मत करिए, क्योंकि ब्लैक कलर यूज करने से हमारे आईब्रो बहुत भद्दी दिखती है। तो इस वजह से हमेशा लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन का यूज करिएगा। अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग हम आईब्रो को फिल करते हैं, देन फिल करने के बाद उसे कॉम कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर है ना फाउंडेशन की स्विस ब्यूटी की पैलेट यूज कर रही हूँ। यहाँ पर पार्लर में क्या होता है, क्राइलॉन की पैलेट भी यूज करते हैं, पर मैं आपको स्विस ब्यूटी की पैलेट बता रही हूँ। और यहाँ मैं 303 यूज़ कर रही हूँ। अब 303 क्या होता है, ये करेक्टर के रूप में काम करता है। जैसे कि हमें ज़्यादा पिगमेंट नहीं होते ना, अगर वहाँ वहाँ हमें सप्लाई कर लेना तो बहुत अच्छा ये इफेक्ट देता है। 303 को क्या करते हैं, हम कलर की तरह यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा पिगमेंट नहीं होता ना, उसे वहाँ वहाँ अप्लाई करने से क्या होता है, वो पिगमेंट है ना हाइड हो जाता है ऑलमोस्ट। आप देख ही सकते हैं वीडियो में, जैसे मैंने अपने अंडर आई पर अप्लाई किया है ना, देखिए आप वीडियो में कि किस तरीके से ना कवर अप कर ही दिया, मेरे स्किन से मैच कर रहा है। ये थोड़ा येलो अंडर टोन में आता है, इस वजह से ये ना इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। अभी से ना मैं अपने अंडर आई जहाँ डार्क एरिया ना वहाँ वहाँ से अप्लाई करूँगी और कुछ इस तरीके से डैप डैप करके ब्लेंड करूँगी। मैं इसे अपने माउथ के अराउंड भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ थोड़ा पिगमेंट है। जहाँ से आपको पिगमेंट लग रहा है ना, वहाँ वहाँ इसे अप्लाई करिए। आपके अगर एक्ने मार्क्स है, आप वहाँ भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर SS22 का कलर ले रही हूँ, जिसे मैं एज अ कंसीलर यूज करने वाली हूँ यहाँ पर। और जहाँ जहाँ मैंने ये 303 अप्लाई किया ना, वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी सिंपली। वो क्या होता है कि हमें ये थोड़ा येलो टोन का होता है, इसे लगाने में थोड़ा स्किन एकदम ऑरेंजिश टाइप हो जाती है। उसे ना ठीक करने के लिए, उसे इवन आउट करने के लिए हम ये SS22 लगाऊंगी। थोड़ा लाइटर शेड है मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो आपको भी कुछ क्या करना है, स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा लाइट शेड पिक करना हमेशा। और जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया था, यानी कि 303, वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं SS28 यूज कर रही हूँ। इसे क्या करूंगी, मैं ऐसा फाउंडेशन यूज करूंगी। अब मैं यहाँ पर SS28 को क्यों यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन की एग्जैक्ट मैच करता है। आप भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करिएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में कितने अच्छे से मैच कर रहा है स्किन टोन से। अब इसे बस मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी कुछ इस तरीके से।
अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना बहुत ईजी होता है गाइस, इस वजह से मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर सजेस्ट करूँगी। पार्लर में भी ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करते हैं। हमें इस तरीके से डैब नहीं करना है, हमें ना अपनी स्किन को अच्छे से ऑब्जर्व कराना है, रब भी नहीं करना है हमें बहुत लाइट हैंड से कुछ इस तरीके से डैब डैब करके ब्लेंड करना है। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैं कितने लाइट हैंड से अपने इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर फिट मी का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, जिसमें कि शेड है मेरा 25। अब मैं लूज पाउडर क्यों यूज़ कर रही हूँ भाई, इसमें क्या होता है लूज पाउडर को अच्छा रहता है ये हमारे स्किन पे ना अच्छे से नहीं चला। सबसे पहले मैं अंडर आई पे इसे करूँगी अप्लाई, ऊपर देखते हुए कुछ इस तरीके से अप्लाई करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। देन हमको पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं पाउडर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं ब्रश पे लूँगी देन एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल दूँगी कुछ इस तरीके से, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। देन मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं सीज ब्यूटी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें अपने फेस को मैं ब्रॉन्ज करूँगी। अगर आप क्रीम कॉन्टर का यूज़ करते हैं तो उससे हमें कॉन्टरिंग कहते हैं, उससे हैवी कॉन्टरिंग होती है, और ये पाउडर कॉन्टरिंग होती है, इसे ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसे बहुत लाइट कॉन्टरिंग होती है। मेरा फेस ज़्यादा मोटा नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर हैवी कॉन्टरिंग नहीं कर रही, सिर्फ ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ अपने चेहरे को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए। अपने कॉन्टरिंग पार्ट पर इसे अप्लाई करूँगी, देन अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज करूँगी मैं। आप चाहते हैं क्रीम कॉन्टोरिंग करिए देन उसके ऊपर ब्रॉन्ज करिएगा, इससे क्या होता है हमारा जो क्रीम कॉन्टोरिंग होता है ना वो लॉक हो जाता है। जॉ लाइन पर भी मैं अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, फोरहेड पे भी कॉन्टोर करना ना भूलेगा इस, क्योंकि क्या होता है ना हम फाउंडेशन ऊपर तक लगाते हैं, अगर हम ऊपर कॉन्टोरिंग करेंगे तो इससे क्या लगता है नेचुरल ही है, अगर लगाएंगे तो हमारे हेयर वाइट वाइट दिखेंगे। नोज को कॉन्टोरिंग करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इस, नोज को कॉन्टोर करने के लिए हम छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश होता है ना उसको यूज़ करिएगा। अब मैं ब्लश वाले पार्ट को पिक करूँगी और अपने ब्लश एरिया पे अप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने फिगर की पैलेट यूज़ करी है, जिसमें 3-in-1 पैलेट है ये। अब इसे मैं अपने चीक्स एरिया पे अप्लाई करूँगी। कभी ब्लश अप्लाई करते हैं ना तो हमें स्माइल करते रहना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है हमारे चीक्स पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं और हमें पहचान जाता है किस किस एरिया पे हमें ब्लश अप्लाई करना है। तो कुछ ऊपर की तरफ ले जाते हुए हमें अपने ब्लश को अप्लाई करना चाहिए और उस साथ साथ ब्लेंड भी करते जाना चाहिए। अब ये ब्लश को मैं अपने चिन पे अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा नोज़ पे। अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यहाँ मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जो कि सीज ब्यूटी का है, ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। और अपने बेस को बिल्कुल सेट करिए गाइस, वरना हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, एक जगह स्टे नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से स्प्रे करके अपने मेकअप को सेट करिएगा। देन मैं यहाँ पर ना रेड स्मोकी आई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा आउटफिट रेड कलर का, तो इससे मैं नायका का ये जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब इसे मैं क्या करूँगी, सेंटर ऑफ द लिड में अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से, पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं मतलब थिक लाइनर अप्लाई करूँगी बेसिकली। अभी से इसे बड़ा वाले ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी। ब्रश ऐसा रखिएगा जिससे अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए, फ्लफी ब्रश मत रखिएगा, थोड़ा ऐसे हार्ड रखिएगा जिससे ये जेल लाइनर हमारा अच्छे से ब्लेंड हो सके। उसे मैं ना अपनी आईलिड पे सिर्फ अप्लाई करूँगी, क्रीज लाइन और ट्रांजिशन लाइन पे इसे नहीं ले जाऊँगी, सिर्फ आईलिड पे इसे ब्लेंड करते जाऊँगी। अगर नीड पड़े तो आप थोड़ा जेल लाइनर अप्लाई करिएगा, देन उसको ब्लेंड करते जाइएगा। देन मैं रेड कलर पिक करूँगी, ये मेरा मेकअप फॉरएवर 22 की पैलेट है, जिसमें से मैं ब्यूटीफुल सा रेड कलर अप्लाई करूँगी और इसे जहाँ जहाँ मैंने ब्लैक स्मोकी आई अप्लाई किया ना वहाँ वहाँ मैं रेड कलर अप्लाई करूँगी और इसे ब्लेंड करते करते ना मैं क्रीज भी ड्रॉ करती जाऊँगी, इससे क्या हुआ हमारी रेड स्मोकी आई क्रिएट हो जाएगी। अब मैं ट्रांजिशन लाइन के लिए ना लाइट कलर का ब्राउन शेड लूँगी। ट्रांजिशन लाइन के लिए ना ऑलवेज गाइस लाइट कलर ही यूज़ किया जाता है, लाइट ब्राउन या पीच कलर। अब इसे मैंने अपने जो रेड शेड जहाँ तक मैंने अप्लाई करा उसके थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से ब्लेंड करती जाऊँगी। इसके लिए मैं बड़े वाला फ्लफी ब्रश लूँगी, इससे क्या होगा मेरा रेड कलर भी ब्लेंड हो जाएगा साथ ही साथ ब्लैक कलर का भी थोड़ा इफेक्ट आएगा। बहुत स्लोली आपको पेशेंटली अपने आई मेकअप को ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंडिंग ही बहुत मैटर करती है आई मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए। अगर हम ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप भी इतना अच्छा नहीं दिखता, आई मेकअप इतना अच्छा प्यारा नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा टाइम लीजिए और अपने आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करिए। स्मोकी आईज में तो ब्लेंडिंग की बहुत ज़रूरी होती है गाइस, क्योंकि हमें उसमें ब्लेंड ही करना पड़ता है, वरना इतना टफ नहीं होता। 3 शेड के साथ मैंने आपको रेड स्मोकी आई बता दिया यहाँ पर। अब मैं ना इसी जेल लाइनर से अपना काजल ड्रॉ करूँगी।
काजल को थोड़ा थिकी बनाइएगा गाइस। अभी इसे ना थोड़ा सा ब्लैक कलर लीजिएगा पेंसिल ब्रश में और अपने ना लैश लाइन के क्लोज को ब्लेंड कर दीजिएगा। और ये जेल लाइनर लगा रहे उसको भी थोड़ा स्मोकी इफेक्ट दिखाएंगे हम। अब मैं मेबलिन का क्लोज मस्कारा यूज कर रही हूँ और अच्छे से अपने अपर और लोअर लैशेज पे अप्लाई करूँगी। मस्कारा को बहुत अच्छे से अप्लाई करिएगा गाइस। मस्कारा को हम अच्छे से अप्लाई करते हैं ना तो हमें फॉल्स लैशेज की भी नीड नहीं पड़ती। बस डबल कोटिंग कर लीजिएगा आप अपने लैशेज पे, बस फिर हम बहुत अच्छी तरीके से बिना लैशेज लगाए जा सकते शादी पार्टी में। अब मैं हुडा ब्यूटी की डार्क रेड शेड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इसको मैं पहले अपने लिप्स पे आउटलाइनिंग करूँगी, देन इसके अंदर फिल करती जाऊँगी। याला मेकअप में थोड़ी शादी पार्टी लाइक करा है इसलिए मैंने इधर ना अपनी आंखें भी थोड़ी बोल्ड करी हैं, लिप्स भी थोड़े बोल्ड करें, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब मैं हाईलाइटर के लिए ना यहाँ पर हाईलाइटर शेड पिक करूँगी और फैन ब्रश लूँगी और अपने हाईलाइटिंग पार्ट पर अप्लाई करूँगी। जैसे मैं अपना नोज़ के लिए मैं थोड़ा अपने सेंटर नोज़ पर लगा रही हूँ। अब मैं अपने चिन पे लगाऊंगी। फैन ब्रश की हेल्प से लगाना बहुत इजी पड़ जाता है गाइस। और हाइलाइटर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो, इससे एक अलग ही रौनक आ जाती है। और चिन पे अप्लाई करिए, आप देख सकते हैं मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई करी है यहाँ पर। अगर आपको फॉल्स लैशेस लगाना नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि फॉल्स लैशेस कैसे लगाते हैं, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट। तो ये था गाइस मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैंने इसमें आपको बता दिया कि पार्लर में कैसे मेकअप किया जाता है और क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से मेकअप किया जाता है। आप भी घर बैठे बैठे ऐसा मेकअप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस तरह की देखना चाहते हैं और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।